Hello students, now in this video we will continue with exercise 4.4. कौन सी exercise करेंगे? 4.4 of कौन सा chapter? Linear equations in two variable. Linear equations in two variable. ठीक है, class 9. कौन सी class का? 9th class का linear equation in two variables में हम एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं? 4.4 कर रहे हैं. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें बस ग्राफ बनाना है. ठीक है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या बनना है, हमें क्या बनाना है? ग्राफ. तो ड्रॉ ग्राफ फॉर फर्स्ट पार्ट क्या है? x + y = 4. ठीक है, तो पहली चीज आप ये समझ लीजिए, जैसे ये कोई भी है. ठीक है, तो ये जैसे दो पॉइंट है, तो इन दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है. दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, उससे ज्यादा लाइन पास नहीं हो सकती. कोई भी दो पॉइंट से देखो, यही लाइन एक चल सकती है, और कोई लाइन पास करोगे तो वो इन दोनों पॉइंट से आप पास नहीं होगी. ठीक है, तो कोई भी ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम दो सॉल्यूशन चाहिए. How many solutions we need to draw a graph? To draw a graph, we need at least two solutions. Okay? Now, अब आपकी equation क्या है? x + y = 4. तो आप इसमें चाहे x की value put करके y की निकाल लो, चाहे y की put करके x की निकाल लो. तो हम x की ले लेते हैं. चलो, तो suppose for x = 0. जब हमने x क्या लिया? 0 लिया. तो क्या आया आपका? 0 + y = 4. इसका मतलब y कितना आ गया? 4. ठीक, अब यहां पे आप लिख लो x और y. तो जब आपने x 0 लिया तो आपका y कितना आया? 4. जब हमने x 0 लिया तो हमारा y कितना आया? 4 आया. ठीक, सेकेंड केस, अब x की वैल्यू कुछ और ले लो. मान लो हमने लिया for x = 1. x की वैल्यू हमने क्या ले ली? 1 ले ली. तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, तो 1 + y = 4. अब ये 1 उधर जाएगा, तो y = क्या हो जाएगा? 4 - 1. That means y = कितना हो गया? 3. तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी. तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए. अब इस पे आप क्या बना लेंगे? ग्राफ बना लेंगे. क्या बना लेंगे? ग्राफ बना लेंगे. ठीक है, तो सपोज ये हमारा क्या है? y एक्सिस है, और ये हमारा क्या है? x एक्सिस, एंड ये y एक्सिस. नंबरिंग कर दो, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, देन 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, और ये ओरिजिन पे x और y 0. तो पहला क्या है? x 0 एंड y 4. तो x 0 और y 4, ये हो गया पहला पॉइंट. ये हो गया, तो 0, 4, ये पॉइंट हो गया 0, 4. ठीक है, x आपका 0 है और y आपका 4 है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया 0, 4. ठीक, लेट मी राइट इट मोर क्लियर, दैट इज ये पॉइंट क्या हो गया हमारा? 0, 4. ठीक, सेकंड क्या है? 1, 3. x 1 है तो 1 और 3, तो 1, 3, ये हो गया हमारा 1, 3. ठीक, अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए स्केल से. जब आप खींचेंगे ये ऐसे करके आपका ग्राफ आ गया, तो ये हमारा क्या बन गया? ग्राफ बन गया. तो कोई भी आप दो पॉइंट ले लीजिए. अब सपोज हम x की वैल्यू -1 लेते, अगर मान लो फॉर x = -1, तो -1 + y = 4 आएगा, तो y = -1 उधर गया, क्या हो जाएगा? +1. तो y = क्या आएगा? 5. तो जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 5. अब आप देख लीजिए, जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ये देखिए ये है, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? 5. 1, 2, 3, 4, 5. तो इसका मतलब हमारा ग्राफ क्या है? सही है. अब हमने तीन पॉइंट ले लिए, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1, 5. तो अब जो भी आप पुट करेंगे इसी लाइन के अराउंड आपके सारे सॉल्यूशन आएंगे. तो क्या पता चला, जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो हमें उस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस पता हो जाएं, तो हम लोग उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके ग्राफ बना लेंगे.
ठीक है। इसी तरीके से हम लोग एक पार्ट और समझ लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर पार्ट। वी हैव डन फर्स्ट पार्ट, नाउ लेट अस डू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लेते हैं, दैट इज वाई इज इक्वल टू 3x। तो पहले फॉर फॉर x इज इक्वल टू सपोज माइनस वन ले लिया हमने, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस वन, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3। तो x एंड y, तो जब x माइनस वन है तो y आपका क्या है माइनस 3। ऐसे ही फॉर x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा आपका 1 और 3। ठीक, तो ये दो सॉल्यूशन हमें मिल गए। एक क्या मिल गया माइनस 1 कॉमा माइनस 3, और एक क्या मिल गया 1 कॉमा 3। फिर से हम ग्राफ बना लेते हैं ऐसे, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। दिस विल बी 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड माइनस 4। तो पहले क्या है माइनस 1 कॉमा माइनस 3, तो माइनस 1 और माइनस 3 ये आया, ठीक है। इसका क्या हो गया माइनस 1 कॉमा माइनस 3, ठीक। सेकेंड क्या है आपका 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 3 ये आ गया, x पे 1 y पे 3, तो 1.3 ये आ गया। तो इन दोनों लाइंस को आप ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ओके। तो इस तरीके से हम कोई भी इक्वेशन का ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। नाउ यू गॉट टू नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें दो सॉल्यूशन चाहिए, वो दोनों पॉइंट हम यहाँ पे लोकेट कर देंगे और उन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर, तो हमारा क्या बन जाएगा किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। तो दिस कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, गिव द इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14। तो एक लाइन है जो कहां से पास हो रही है 2,14 से पास हो रही है, कहां से पास हो रही है 2,14 से पास हो रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट की क्या इक्वेशन होगी। अच्छा आप एक बात देखिए, जैसे ये पॉइंट है, हाँ, तो एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितनी इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, ठीक। लेकिन वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट वन लाइन, दैट क्या वन लाइन कैन हैव ओनली वन इक्वेशन, वन लाइन कैन हैव ओनली वन इक्वेशन, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी, एक पर्टिकुलर पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो रही है, तो इसका मतलब इन पॉइंट से कितनी इक्वेशन बन सकती है, इनफाइनाइट इक्वेशन बन सकती है। कितनी इक्वेशन बन सकती है, इनफाइनाइट इक्वेशन बन सकती है, ठीक। तो हम कुछ इक्वेशन बना लेते हैं, इनफाइनाइट तो नहीं बना पाएंगे, इतनी सारी इक्वेशन, 4-5 इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो यहां पे देखो x कितना है 2, x कितना है 2 और y कितना है 14, ठीक। तो पहले देखिए, अगर हम x में 7 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 में अगर आप 7 मल्टीप्लाई कर दो तो y आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या हो गई, y इज इक्वल टू 7, ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। चाहे पुट करके देख लो, x की वैल्यू आप 2 पुट करिए, अगर आप x यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा 7 इंटू 2, तो y कितना आ जाएगा 14 है। तो एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, ठीक। ऐसे ही अगर हम इसमें 12 ऐड कर दें, 2 में 12 ऐड कर दो आप तो भी 14 बन जाएगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 12, ये सेकंड इक्वेशन बन गई, है ना, क्योंकि यहां पे 2 लिखेंगे, 2 प्लस 12 14 आ जाएगा, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आएंगे। और हम बना सकते हैं, अब देखिए 14 में से 2
2 माइनस कर दीजिए आप 14 में से 2 नहीं 12 माइनस कर दीजिए तो भी आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो ऐसे हम बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपकी इतनी सारी इक्वेशंस बन जाएंगी, जैसे कि हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 5x प्लस 4, ये इक्वेशन बन सकती है हमारी। कैसे देखिए, यहां पे आप 2 पुट करिए, 5 टू द 10, 10 प्लस 4 14, क्यों? क्योंकि अगर आप x 2 पुट करेंगे यहां पे तो देखिए क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू 10 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 14। तो जब हमने x 2 पुट किया तो y हमको 14 मिल गया, ये इक्वेशन है। तो ऐसे हम बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 3 इक्वेशन हमने बना ली है, आप और भी बना सकते हैं। तो ऐसी कितनी इक्वेशन बन सकती हैं? इनफाइनाइट इक्वेशन बन सकती हैं। व्हाई? बिकॉज फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास, फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास, दस अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट वी कैन मेक इनफाइनाइट इक्वेशन। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अब हम किस क्वेश्चन पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 पे क्या है? एक पॉइंट है 3, 4, तो क्या है पॉइंट 3, 4 लाइव ऑन ग्राफ, लाइव ऑन ग्राफ, कौन से ग्राफ पे पढ़ रहा है? इक्वेशन क्या है कि 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, तो क्या कह रहा है वो? फाइंड वैल्यू ऑफ a, तो क्या कह रहा है? पॉइंट 3, 4, एक पॉइंट है 3, 4 लाइव ऑन ग्राफ दिस, तो फाइंड वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब ये क्या, हमेशा हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? x y के टर्म्स में, तो ये x हो गया और ये y हो गया। x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पे x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको a मिल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो y की जगह क्या पुट करेंगे? 4, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 is equal to a into x, x की जगह क्या आ जाएगा? 3 plus 7, तो 3 4s are 12 is equal to a into 3, 3a plus 7, अब ये 7 इधर आ जाएगा, तो 12 minus 7 is equal to 3a, तो 12 में से 7 गया, तो कितना बचा? 5 बचा, ठीक है, तो 5 is equal to 3a, this implies 3a is equal to 5 or a is equal to 5 by 3, तो आपका a क्या आ गया? 5 by 3 आ गया, तो हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल गई। फिर से आप देख लीजिए, 3y is equal to ax plus 7 था, तो y की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 4, ये देखिए, और x की जगह क्या पुट कर दिया? 3, तो 4 3 12 is equal to 3 multiplied by a plus 7, 12 is equal to 3a plus 7, ये 7 इधर आ गया, 12 minus 7 is equal to 3a, तो 12 में से 7 गया, 5 बचा, 5 is equal to 3a, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3a is equal to 5, ये मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड में चला गया, तो a is equal to 5 by 3, a is equal to 5 by 3, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर। Now let's move on to question number 4. Fourth भी ऐसे ही है। The thing is, when you are solving these questions, you just need to understand the language of the question. अगर आप question की language समझ गए हैं, तो आप बहुत ही आराम से question कर लेंगे। अच्छा, जो question number 4 है, ये बहुत ज़्यादा हमारा general life से related है। तो पहले question 4 पढ़ने से पहले एक चीज़ discuss करते हैं हम लोग। सपोज एक ऑटो वाला है,
ऑटो वाला है, जैसे दिल्ली में हम लोग हैं अगर, तो दिल्ली में ऑटो वाला है, वो कह रहा है भैया मैं पहले 2 किलोमीटर के 20 रुपए लूंगा, ठीक है, he will charge ₹20 for first 2 kilometers, ठीक, then after he will charge ₹8 per kilometer, ठीक है, पहले 2 किलोमीटर तो उसके फिक्स हैं ₹20, उसके बाद वो कितना लेगा ₹8 पर किलोमीटर लेगा, उसके बाद वो कितना लेगा ₹8 पर किलोमीटर लेगा, ठीक। अच्छा अब सपोज आपने जो ट्रेवल किया है 12 किलोमीटर ट्रेवल किया है, जो आपकी जर्नी थी या जर्नी थी ऑटो में वो कितनी थी 12 किलोमीटर की थी, ठीक है, तो उस 12 में से 2 किलोमीटर तो हटाई दो आप, क्योंकि उस 2 किलोमीटर के ₹20 उसने ले लिए, तो जो आपका टोटल फेयर है, टोटल फेयर है वो क्या हो जाएगा 20+, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 2 किलोमीटर के उसने कितने लिए हैं ₹20 लिए हैं, तो ₹20 तो आपके हो गए। अब 12 में से 2 किलोमीटर तो कम हो गए, कितने किलोमीटर बचे 10, तो 10 किलोमीटर वो कितने रुपए के हिसाब से लेगा ₹8 के हिसाब से, तो 10 × 8 तो क्या हो जाएगा 20+ 8 तो कितने रुपीज हो जाएंगे ₹100 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट 2 किलोमीटर के उसने ₹20 ले लिए तो ये 20 लिख दिए। अच्छा आपने टोटल कितना चला 12 किलोमीटर चला ना आपने, आपने कितना ट्रेवलिंग की 12 किलोमीटर की ट्रेवलिंग की, तो उसमें से 2 किलोमीटर के पैसे तो वो ले ही लेगा पहले ही, तो 2 किलोमीटर इसमें से खत्म कर दो, तो कितना बचा 10, और उस 10 किलोमीटर के चार्ज उसने ₹8 के हिसाब से लिए हैं, तो टोटल फेयर क्या हो जाएगा 20 जो कि फर्स्ट 2 किलोमीटर का हो गया, प्लस बचे हुए कितने किलोमीटर हैं 12 में से 2 चले गए 10 किलोमीटर बचे, तो वो 10 किलोमीटर ₹8 के हिसाब से लेगा वो, तो 10 × 8 दैट विल बी 80, तो 80+20 इट विल बी ₹100, ओके। तो अब क्योंकि आपको ये काम का समझ में अगर आ गया है तो आई गेस आप लोग खुद ही ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बट स्टिल वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग अ टैक्सी फेयर इन अ सिटी चार्जेस ₹8, कितने रुपए ले रहा है ₹8 ले रहा है फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो कितने रुपए ले रहा है ₹8 ले रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए ही इज चार्जिंग ₹8। Then after what he is charging ₹5 per kilometer. After that he is charging ₹5 per kilometer. तो first kilometer के तो उसने ₹8 ले लिए, उसके बाद वो ₹5 per kilometer charge कर रहा है। तो fare को क्या मान लो let, क्योंकि हमें equation बनानी है, fare मतलब किराया y हो गया and let डिस्टेंस कितनी हो गई x हो गई, ठीक, टोटल जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल की वो x किलोमीटर हो गई, कितनी हो गई x किलोमीटर हो गई, तो फेयर तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले किलोमीटर को उसने कितने रुपए ले लिए ₹8 ले लिए, तो 8 लिख लोगे प्लस, ठीक है। अच्छा आपने टोटल कितना ट्रेवल किया, टोटल आपने कितना ट्रेवल किया x किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक, उसमें से 1 किलोमीटर के पैसे वो ले चुका है, ठीक है, 1 किलोमीटर का फेयर उसका हो चुका है, तो कितना बचा आपका x में से 1 किलोमीटर चला गया, तो आपका कितना बचा x-1 बचा, तो यहां क्या लिख लेंगे हम x-1, ठीक, और वो जो x-1 बचा है उसके चार्ज कितने रुपए के हिसाब से हैं 5 रुपए के हिसाब से हैं, है ना, ₹5 per kilometer, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई, फिर से समझ लीजिए, फेयर आपका वाई माना हमने और डिस्टेंस एक्स माना, तो वाई फेयर मान लिया, तो वाई इज इक्वल टू टोटल फेयर जो है, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फर्स्ट किलोमीटर के ₹8 हो गए, तो 8 लिख लिया है यहाँ पे, प्लस बाकी फेयर टोटल एक्स चला था, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल की थी वो एक्स थी, तो उसमें से 1 किलोमीटर तो माइनस हो गया, तो x-1 बचा, और उसके कितने रुपए के हिसाब से लिए उसने ₹5 के हिसाब से, तो x-1 में 5 मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, तो y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 × x 5x और 5 × 1 -5,
तो 8 माइनस 5 तो क्या y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 प्लस 5x. 8 में से 5 का कितना बचा 3, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x. या फिर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5x प्लस 3, ये भी लिख सकते हैं. अब ये मत कंफ्यूज हो जाना, a प्लस b को हम b प्लस a लिख सकते हैं, a प्लस b को हम b प्लस a लिख सकते हैं. तो अगर हम a प्लस b को b प्लस a लिख सकते हैं तो 3 प्लस 5x को हम 5x प्लस 3 लिख सकते हैं. तो ये हमारी इक्वेशन बन गई. फिर वो क्या बोल रहे हैं, इस पे ग्राफ बनाओ. अब आप ग्राफ तो बना ही लेंगे. यहाँ पे एक बार x की वैल्यू 0 ले लीजिए, एक बार x की वैल्यू 1 ले लीजिए, दो पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, दो कोऑर्डिनेट्स, उसके हिसाब से आप ग्राफ बना लेंगे, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ऑलरेडी किया है. ठीक है, अच्छा. नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5, आपकी एक लाइन है. अब आप उस लाइन को ध्यान से देखिए, दो पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में आप उस ग्राफ को ध्यान से देखिए तो उसमें क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, -1, 1, फिर 0, 0, फिर 1, -1. ठीक है, एक लाइन है, उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं. ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इस लाइन की इक्वेशन कौन सी है. तो कौन कौन सी इक्वेशन दे रखी है, पहली क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू x. सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, x प्लस y इज इक्वल टू 0. थर्ड इक्वेशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू 2x. फोर्थ इक्वेशन क्या दे रखी है, 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7. 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7. तो अब इस लाइन की इनमें से कौन सी इक्वेशन है. तो अब हमको पता है एक बात कि किसी भी लाइन से, किसी भी लाइन की केवल एक ही इक्वेशन हो सकती है. ठीक, और लाइन बनाने के लिए एटलीस्ट दो पॉइंट होने चाहिए, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट होने चाहिए. तो कोई भी दो कोऑर्डिनेट उठा लो, कोई भी, चाहे इन दोनों को उठा लो, चाहे इन दोनों को उठा लो, चाहे इनको और इसको उठा लो. तो जो इक्वेशन कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कर देगी वही इस लाइन की इक्वेशन है. जैसे कि फर्स्ट वाली लेके चलते हैं, फर्स्ट y इज इक्वल टू x. तो पहले यहां पे देखो y की वैल्यू पुट करिए, ये x है, ये y है, ये x है, ये y. तो x पुट करने पे, x अगर आप 0 पुट करते हैं, तो आपका y कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए. तो पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 0. तो ये वाली सेटिस्फाइड हो गई. ठीक, अब ये वाली लीजिए आप, मतलब ये वाला लीजिए आप, इसी में फिर से पुट. अब अगर आप x माइनस 1 पुट करते हैं तो y कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए. तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, तो y इक्वल टू x है, तो y इक्वल टू x की जगह क्या रख दिया, माइनस 1 रख दिया. तो जब आपने x 0 पुट किया है तो y 0 आ गया, तो ये तो सेटिस्फाई हो गई. बट जब आपने x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट किया है तो y 1 नहीं आया, y कितना आया, माइनस 1 आया. तो ये वाली सेटिस्फाई नहीं हुई. तो इसका मतलब दिस इज नॉट द इक्वेशन, दिस इज नॉट द इक्वेशन. ठीक, अब सेकंड पार्ट पकड़िए इसका, ये वाली इक्वेशन लेके चलिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. तो सेकंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. अब हम x पहले 0 पुट करके देख लेते हैं, तो x की जगह 0 पुट करिए. तो 0 पुट किया, प्लस y इज इक्वल टू 0. तो यहाँ लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0. तो ये वाली फिर से सेटिस्फाई हो गई. देखिए जब आपने x 0 पुट किया तो y भी 0 आ गया, तो ये वाली तो ओके सेटिस्फाइड. अब x की जगह माइनस 1 पुट करिए यहाँ पे, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 1. तो यहाँ जब माइनस 1 पुट किया, प्लस y इज इक्वल टू 0, माइनस 1 प्लस y इज इक्वल टू 0. अब माइनस का 1 उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस.
तो y is equal to 0 plus 1, तो y is equal to 1. अब देखिए जब हमने x की वैल्यू माइनस वन पुट की तो y की वैल्यू 1 आ गई, मतलब कि ये वाली भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई. तो इसका मतलब दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन. ठीक है, तो ये गिवन लाइन की इक्वेशन हो गई. अब आप देखिए इसने दो को सेटिस्फाई कर दिया तो ये थर्ड को तो सेटिस्फाई करेगी ही, चाहे आप पुट करके देख लीजिए. लेट अस डू इट. यहां पे x की वैल्यू 1 पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू 1, तो यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस y इज इक्वल टू 0. अब ये 1 उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 1, दैट मींस y इज इक्वल टू माइनस 1. तो देखो x की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो y की वैल्यू माइनस 1 आ गई. देखा, तो ये लाइन से हमने तीन कोऑर्डिनेट्स लिए थे तो उस लाइन की देखो तीनों को सेटिस्फाई करें, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई. तो अब इन दोनों को हमको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगी. ओके, इसी तरीके से इसका नेक्स्ट पार्ट होगा. ओके, उसमें भी आपको एक लाइन दे रखी है, उसमें कोई तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, आप तीनों कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेंगे, कोई भी दो कोऑर्डिनेट को लेके चलेंगे, जो इक्वेशन उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगी वही उस लाइन की इक्वेशन होगी, वही उस लाइन की इक्वेशन होगी. ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 5th. नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6th. तो क्वेश्चन नंबर 6th भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6th में क्या है कि आपका एक एक्सपेरिमेंट प्रोसेस टाइप का हो रहा है जिसमें आपका फोर्स कितना है, फोर्स हमारा कितना है 5 न्यूटन, फोर्स हमारा कितना है 5 न्यूटन का फोर्स है. ठीक है, अच्छा, और फोर्स को हम क्या मान लिया, हम लोगों ने एक्स मान लिया. ठीक है, और वर्क डन, जो हमारा वर्क डन है उसको हमने क्या मान लिया, वाई मान. तो हमें इक्वेशन निकालनी है. तो फर्स्ट केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो कितना है आपका 2 यूनिट्स है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 यूनिट्स. ठीक है, अब हमें फॉर्मूला पता है जो वर्क डन होता है, क्या वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन क्या है, वाई, तो वाई इज इक्वल टू फोर्स क्या हो गया, मान लो आपका सॉरी डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है x. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है x. ठीक है, तो वर्क डन y इज इक्वल टू फोर्स की जगह क्या आ जाएगा 5, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा x. तो y इज इक्वल टू 5x, ये हमारी इक्वेशन बन गई. ठीक, क्योंकि वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन को y लिया है और डिस्प्लेसमेंट को x लिया है, तो वर्क डन मतलब y इज इक्वल टू फोर्स मतलब 5, ये तो फिक्स है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट जो कि x है. तो फर्स्ट पार्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 यूनिट है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 into 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 यूनिट. तो एक कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला, x कितना है 2, 2, 10, 2, 10. यहीं से सेकंड कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, सेकंड केस में आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है हमारी 0 यूनिट, क्या है 0 यूनिट. अब डिस्प्लेसमेंट 0 है मतलब x क्या है 0, तब y इज इक्वल टू तो हमारा क्या था 5x था, तो y इज इक्वल टू 5 into 0, तो y कितना हो गया आपका 0 यूनिट. तो जब x 0 पुट किया तो y कितना आया 0 आया. तो फिर से हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए 2, 10 और 0, 0. अब आप ग्राफ बना सकते हैं ऐसे करके, ये हमने क्या ले लिया, डिस्प्लेसमेंट ले लिया x एक्सिस पे और वर्क डन ले लिया हमने y एक्सिस पे. तो 0, 0 एक तो ये हो गया और फिर 2, 10 यहां कहीं आएगा, तो ये आपका ऐसे करके ग्राफ बन जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 7. question number 7
क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है कि एक अर्थक्वेक हुआ था एक जगह पे, तो वहां पे दो लोगों ने प्राइम मतलब अर्थक्वेक जहां पे हुआ था वहां पे उनको कुछ दान दिया, रिलीफ फंड में उनको कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूशन किया। तो जो कितने कितने कंट्रीब्यूशन किया, यामिनी ने कितना किसने किया, यामिनी एंड फातिमा ने कंट्रीब्यूशन किया, और इनका टोटल कंट्रीब्यूशन दोनों का मिला के कितना था, ₹100। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था दोनों का मिला के, ₹100 था। तो इस पे हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। इस पे हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो सिंपल, लेट कंट्रीब्यूशन बाय यामिनी, कितना मान लीजिए आप, एक्स मान लीजिए, एंड लेट कंट्रीब्यूशन बाय फातिमा का कंट्रीब्यूशन क्या मान लीजिए, फाइव मान लीजिए। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन ऐड करके ₹100 आया है। तो यामिनी का कंट्रीब्यूशन एक्स प्लस फातिमा का कंट्रीब्यूशन वाई इज इक्वल टू 100। ये हमारी इक्वेशन बन गई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब हमें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 मिल गया है। तो इससे हम क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, उससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो उससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। और ऐसे आप कितने सॉल्यूशन निकाल लेंगे, दो सॉल्यूशन निकाल लेंगे, और उन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करके आपका ग्राफ बन जाएगा। आप x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आपको एक मिलेगी, x की दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, y की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का इक्वेशन बन गई, क्योंकि उन्होंने यामिनी और फातिमा ने मिलके ₹100 कंट्रीब्यूट किए थे। तो यामिनी का कंट्रीब्यूशन x मान लीजिए, फातिमा का कंट्रीब्यूशन y मान लीजिए। तो x प्लस y दोनों का कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 100। अब ये इक्वेशन मिल गई है तो आप ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, जो टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं वो केल्विन में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, सेल्सियस में मेजर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें इन्होंने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में रिलेशन दे दिया, एफ इज इक्वल टू 9/5 C + 30। एफ क्या है, फ़ारेनहाइट, और सी क्या है, सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। Draw the graph. ठीक है, तो अब आपको ग्राफ बनाना है। तो सेल्सियस को हम x एक्सिस मान लेते हैं और फ़ारेनहाइट को हम y एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 9/5x + 32। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए, कुछ भी आपकी बात वैल्यू निकल आई। अब देखिए यहां पे थोड़ा स्मार्ट तरीका यूज करिए, x की वैल्यू एक बार आप पुट करिए 0, तो इफ फॉर या फिर x इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/5 × 0 + 32। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 + 32, y कितना आ जाएगा, 32। तो एक इक्वेशन हमें क्या मिली, x और y, क्या 0 और 32। ओके, हम ये चाहते हैं कि हमारा आंसर फ्रैक्शन में ना आए। तो अगर हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगली वैल्यू हम क्या पुट कर दें, x इज इक्वल टू 5 या फिर -5, जो भी आप चाहें। तो y इज इक्वल टू 9/5 × x, ये क्या आ जाएगा, 5 + 32। तो y इज इक्वल टू 5 से 5 कट गया, क्या आ जाएगा, 9 + 32। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 41। तो सेकंड सॉल्यूशन क्या हो गया, 5 और 41। तो एक कोऑर्डिनेट ये और एक कोऑर्डिनेट ये, इससे आप ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं हम लोग इसी तरीके से। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, इट इज सेइंग अगर सेल्सियस कितना है, 30 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा। अगर टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस है तो वो फ़ारेनहाइट में
कितना होगा साइन राइट। तो सिंपल है, आप सी की जगह क्या पुट करते हैं, 30 पुट करते हैं बस। तो f इज इक्वल टू 9 अपॉन में 5 इनटू 30 प्लस 32, 5 6 जा 30, तो f इज इक्वल टू 9 6 जा कितना होता है 54 ठीक है, प्लस 32 प्लस 32, तो f इज इक्वल टू 6 एंड 5 एंड 3 8, तो 86 डिग्री ऑफ फारेनहाइट हो गया। फारेनहाइट में कितना होगा आपका 86 होगा। ओके सिमिलरली थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं कि अगर फारेनहाइट में आपका 95 है तो सेल्सियस में कितना होगा, फारेनहाइट में अगर 95 है तो सेल्सियस में कितना होगा, तो फारेनहाइट की जगह आप क्या रख देंगे 95 is equal to 9 upon में 5c plus 32। तो पहले इस 32 को आप इधर ले आएंगे, तो 95 minus 32 is equal to 9 by 5c। ओके तो 5 में से 2 गया 3 बचा एंड 9 में से 3 गया 6 बचा ठीक है, is equal to 9 upon में 5c। अभी 5 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 9 डिवाइड में आ जाएगा, 63 multiplied by 5 and divide by 9 is equal to 9 7 का 63 और 7 5 का 35, इसका मतलब C is equal to 35। तो क्या आ गया, अगर आपका फारेनहाइट 95 है तो C कितना होगा 35 होगा। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, इसका थर्ड पार्ट हो गया ठीक है। Now let us move on to fourth part। अब हम किस पे आ जाते हैं, फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट पहले रिलेशन आप लिख लीजिए, क्या था आपका f इज इक्वल टू 9 बाय 5c प्लस 32। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, जब c इज इक्वल टू 0 है तो f इज इक्वल टू क्या होगा। अब आप ये कर लेंगे, यहां c की जगह 0 पुट करिए f निकल आएगा। और इसी में एक और है, अगर f is equal to 0 है तो c is equal to क्या होगा। अब यहाँ पे आप f 0 put कर दीजिए तो c निकल आएगा। ये वाला हम लोग कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, c 0 put किया था तो f निकल आया था। तो this now you will do on your own। अब ये वाला हम करते हैं, f 0 put कर लिया हम लोगों ने तो ये क्या आ गया 9 by 5 c plus 32। अब ये 32 इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 32 इज इक्वल टू 9 अपॉन में 5c, 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस 32 इनटू 5 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू c ठीक है। तो 5 टू जा 10 0 कह रही है 1, 5 टू जा 15 प्लस 1 60, तो माइनस 160 बाय 9 इज इक्वल टू c। इसको आप फर्दर डिवाइड करना चाहें तो आप डिवाइड कर सकते हैं, आपका पॉइंट में आंसर आ गया ठीक है। ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, पार्ट नंबर फिफ्थ। फिफ्थ में क्या कह रहा है कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच एस इज इक्वल टू सी, किस टेम्परेचर पे एस और सी दोनों बराबर होंगे। तो अब मान लो लेट f इज इक्वल टू c इज इक्वल टू क्या मान लो, a मान लो, f भी a हो गया और c भी a हो गया, तो यहां पे दोनों की जगह a पुट कर दो। क्यों, क्योंकि दोनों को हमें इक्वल लेना है, तो दोनों की वैल्यू हमने क्या मान ली, a मान ली। तो यहां पे a इज इक्वल टू 9 by 5 a प्लस 32, तो इसको आप इधर ले लीजिए, तो a माइनस 9 अपॉन में 5a is equal to 32, इसमें से a कॉमन आ जाएगा, तो a कॉमन आ गया, तो क्या हुआ 1 minus 9 upon में 5 is equal to 32। अब इसको आप सॉल्व करिए a, तो आपका आ जाएगा 5 minus 9 by 5 is equal to 32, क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा 5 हो गया 1 5 का 5 minus 5 1 का 5 तो 1 9 का 9, तो इसका मतलब a is equal to कितना हो गया, सॉरी a मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4
बाई फाइव इज इक्वल टू 32। ओके तो ये क्या हो गया आपका माइनस का 4a, माइनस का 4a बाय 5 इज इक्वल टू 32। 5 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये से मल्टीप्लाई होगा ना माइनस 4a अपॉन में 5, तो माइनस 4a अपॉन में 5 इज इक्वल टू 32। 5 उधर चला गया और 4 इधर अपॉन में आ गया, तो माइनस का a इज इक्वल टू 32 इनटू 5 बाय 4। 4 8 का 32, 8 5 का 40, माइनस a इज इक्वल टू 40, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 40। तो माइनस 40 पे ये दोनों बराबर होंगे। तो किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल बराबर होता है, किस टेम्परेचर पे 40 माइनस 40 पे बराबर होता है। एंड इफ यू वांट टू चेक इट वी कैन आल्सो चेक, हम इसको चेक भी कर सकते हैं। आप किसी भी एक में 40 पुट करिए, दूसरे की माइनस 40 पुट करिए, दूसरे की भी वैल्यू वही आनी चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। तो क्या f इज इक्वल टू 9 अपॉन में 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 40 प्लस 32। तो f इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 9 इंटू 40 बाय 5 प्लस 32। 5 एट का 40, अच्छा 5 8 का 40, 8 9 का कितना होता है 72। तो f इज इक्वल टू माइनस का 72 प्लस 32, तो माइनस 72 प्लस 32 कितना होगा माइनस 40। तो देखिए हम लोगों ने c की जगह जब माइनस 40 पुट किया तो f भी कितना आया माइनस 40 आया। तो ये आपके जीके का भी क्वेश्चन हो गया, मतलब साइंस का भी क्वेश्चन हो गया कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल are equal at what temperature? So they are equal at minus 40. अगर सेल्सियस में minus 40 है तो फ़ारेनहाइट में भी minus 40 होगा, ठीक है? So this is how we will solve this question. तो ये हमारी exercise 4.4 complete हो गई है। Linear equation in two variables की second last exercise है। अब एक exercise और बची है, that is also very simple, that we will cover in next video. Okay?